नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राघविन। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि हीरो कनेक्ट में लोकल सप्लायर कैसे ऐड करते हैं। लोकल सप्लायर वो होते हैं, जैसे कोई मार्केट में कोई शॉप है हीरो की, हमने कोई अर्जेंट में पार्ट जरूरत है वो परचेस करके हमने गाड़ी में डाला है। तो मैं अपनी हीरो कनेक्ट की आईडी को लॉग इन कर रहा हूँ। मेरी हीरो कनेक्ट की विंडो ओपन हो गई है। मैं फर्स्ट लेवल व्यूआर पे क्लिक करूंगा। उसके बाद देखिए मास्टर का ऑप्शन आ रहा है, मैं मास्टर पे क्लिक करूंगा। मास्टर पे क्लिक करने के बाद ये सप्लायर का ऑप्शन आ रहा है, हम सप्लायर पे क्लिक करेंगे। सप्लायर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की विंडो आ रही है। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, हम न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद जो हमारा लोकल सप्लायर है हम उसका नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो लोकल सप्लायर का नाम है नेहा एजेंसी। नेहा एजेंसी जीएसटी नंबर लोकल सप्लायर का नहीं है क्योंकि उसकी उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में अनरजिस्टर्ड हो जाएगा। जो उसका मोबाइल नंबर होगा वो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद हमें बाहर क्लिक करके नीचे आना है। यहाँ पे सप्लायर नेम लिखा हुआ है, जीएसटी कैटेगरी में अनरजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है। यहाँ पे कैटेगरी लोकल सप्लायर सेलेक्ट करना है। देखिए एचएमएल सप्लायर भी आ रहा है लेकिन हमें लोकल सप्लायर ऐड करना है। प्रोडक्ट कैटेगरी में कुछ नहीं करना हमें। उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे, उसको कुछ नहीं करना है। अगर उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर है तो फोन नंबर है तो कोई फोन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, हम उसका एड्रेस ऐड कर लेंगे। एड्रेस पे क्लिक करा मैंने, उसके बाद ये न्यू का ऑप्शन आ रहा है, मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। ये सबसे पहले यहाँ पे स्टेट मांग रहा है तो मैं स्टेट डालूंगा, स्टेट यूपी। अब ये डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है तो डिस्ट्रिक्ट में शाहजहानपुर। तहसील मांग रहा है, तहसील में सदर, सदर या शाहजहांपुर आ रहा है तो मैं इससे शाहजहांपुर ही सिलेक्ट कर लूंगा। टाउन एंड सिटी में भी शाहजहांपुर हो जाएगा। एड्रेस यहाँ पे डाल रहा हूं मैं सदर एस। पिन कोड यहाँ पे डालना है मेरे को और कितनी दूर है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस डाल देता हूँ 20 किलोमीटर। और इसको मैंने ओके किया। ओके करने के बाद ये यहाँ पे देखिए बिलिंग में राइट का टिक लग गया है, इसे मैं ओके कर लूंगा। देखिए हमारे पे एड्रेस भर गया है। अगर उसका कोई ईमेल एड्रेस होगा तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दूंगा और कंट्रोल एस कर दूंगा। मेरा देखिए यहाँ पे लोकल सप्लायर जो है बन गया है। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि लोकल सप्लायर को हम पार्ट ऑर्डर करके कैसे रिसीव करते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।